को कानून से क्या मतलब है, वो क्या सवाल खड़ा करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल मत कहिए, राष्ट्रीय जंगल दल कहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीवी रमन्ना ने बिहार में शराबबंदी कानून का तर्क देते हुए बताया था कि इस तरह के कानून से देश में जो मुकदमे हैं उनके अंबार लग रहे हैं और अदूरदर्शी बताया था नीतीश कुमार के इस फैसले को। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान का जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जवाब आ रहा है। सीधे तौर पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है अजय आलोक, उनका कहना है, देखिए जिस कानून को 243 विधायक 75 विधान परिषद के सदस्यों ने एक सुर में इस कानून को बनाया, उस पर राज्यपाल की मोहर लगी, प्रेसिडेंट का कंकरेंस मिला, उसको अदूरदर्शिता कहना थोड़ा अन्याय है। और वैसे भी मेरा मानना है कि विधायिका अपना काम संविधान के हद में रह के करे, तब न्यायपालिका की टिप्पणी कहीं से उचित नहीं होती। और जहाँ तक लंबित केसेस पेंडिंग की बात है, तो क्या शराबबंदी कानून के पहले अदालतों में केसेस पेंडिंग नहीं थे? ध्यान इस पे होना चाहिए कि जल्दी फैसला कैसे आए, सुनवाई कैसे हो, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर एक दूसरे पर टिप्पणी करती रहे तो समाज में उलझन जरूर पैदा हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था अपने आप में जिसकी सबको इज्जत करते हैं। अगर कहीं से मेरी बात गलत है तो मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूँ, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है एक भारत के नागरिक होके कि विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सर, उन्होंने वजह बताया था कि बिहार में ये जो कानून है इसके वजह से देश की अदालतों में जो है मुकदमे बढ़ रहे हैं और मैंने डिले हो रहा है। मैंने वही कहा ना, क्या ये इस कानून के आने के पहले देश की अदालतों में मुकदमे पेंडिंग नहीं थे? क्या 4 लाख से ऊपर मुकदमे पेंडिंग थे? मैंने ये भी कहा कि जल्दी सुनवाई कैसे हो, फैसला जल्दी कैसे हो, विचार इस पर होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल भी सवाल खड़े कर रही है, क्या कहना चाहिएगा? उनको कानून से क्या मतलब है, वो क्या सवाल खड़ा करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल मत कहिए, राष्ट्रीय जंगल दल कहिए। कि देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को किसी एक दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि क्या बिहार में इस कानून से पहले इस तरह के मुकदमे या फिर देश में जो मुकदमे हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं थी। ऐसे में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के इस कानून पर सवाल उठाना, और जब उन्होंने कहा है कि सभी विधानसभा के सदस्यों से और राष्ट्रपति के और मुख्यमंत्री गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनी थी, तो इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल भी सवाल खड़े कर रहा है, उस पर कहना है उनका कि राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वो राष्ट्रीय जंगल दल है।